सो इस फाइनली जो है ना स्विफ्ट डिजायर भी जो है लीक हो चुकी है और इसकी जो है ना ऑफिशियल शूट के दौरान जो है फोटोज लीक हुई है। अब जो है ना नई डिजायर काफी लग्जरी होने वाली है। सबसे पहले तो भाई सनरूफ आप लोगों ने देख ही ली, नई डिजायर में सनरूफ भी देखने मिलेगी, 360 कैमरा भी देखने मिलेगा और उसके बाद जो बाकी की चीजें ना उसको देख के तो आप लोग जरूर से जो फैन हो जाओगे नई डिजायर के भी। तो आज जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो ना आप लोग इसका फ्रंट चेकआउट करो। फ्रंट में जो एलईडी हेडलाइट्स मैंने आपको दिखाई थी सेम वही एलईडी हेडलाइट है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग वो एलईडी हेडलाइट्स भी देख सकते हो और एलईडी हेडलाइट यहाँ पे आपको मिलेगी टॉप मॉडल में। हो सकता है बेस मॉडल में भी आपको देखने मिल जाए, बट ये जो है रिफ्लेक्टर लाइट है तो हो सकता है बेस मॉडल में भी मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट ग्रिल जो है काफ़ी बढ़िया जो है इसको बल्कि लुक दे रही है। ओवरऑल जो ना फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा रखा है गाड़ी का। उसके बाद आप लोग एक कंप्लीट फोटो देख लो इसकी रियर प्रोफाइल के साथ में। तो यहाँ पे जो ना अलॉय व्हील का डिज़ाइन इन्होंने वही 15 इंच का ही रखा है, 16 इंच भी इन्होंने नहीं किया, तो 15 इंच के अलॉय हैं, बाकी ऊपर सनरूफ आपको मिल जाएगी। उसी के साथ में गाड़ी की जो रियर प्रोफाइल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट फिलहाल जो आप साइड से इतना ही देख पाओगे। और गाड़ी जो ना लाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इसका जो डिज़ाइन है ना कहीं कहीं से मेरे को जो होंडा अमेज है ना कुछ वैसा वैसा लग रहा है। बाकी आप लोग मेरे को बताओ कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा, साइड प्रोफाइल वगैरह। बाकी ओवरऑल जब आप देखते हो गाड़ी को तो काफ़ी बढ़िया लगती है। अब पीछे से भी देख लो, पीछे से जो है ना इसकी जो टेल लाइट्स वगैरह है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया दिया है। और बूट में जो है ना स्पेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो पहले जितना ही रहेगा, क्योंकि टेलगेट के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कितना ही बड़ा बूट गेट होगा। तो थोड़ा सा है लाइक वेंटो वाली जो है याद दिलाएगी गाड़ी पीछे से, और आगे से जो है लाइक अमेज जैसी। तो कोई बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं, बट हाँ ओवरऑल कुछ एक चीज़ें इम्प्रूवमेंट किए इन्होंने। 7 साल बाद जब गाड़ी आपको देखने को मिली है तो ये इतना तो बनता था। सनरूफ सबसे बढ़िया की सनरूफ यहाँ पे दे दी है। अब ये नहीं पता कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है इनकी छत की, कहीं पता चले छत अलग पिचक रही है, सनरूफ अलग उसके साथ जा रही है नीचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हाँ गाड़ी जो है देखने में साइड से ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब ये जो अपडेट है ना ये लॉन्च कब होगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। भाई ये जो गाड़ी है ना फिलहाल इसकी TCV शूट हो रही है, मतलब जो है ऑफिशियल वीडियो शूट हो रही है जो कि आप लोगों को दिखाई जाएगी लॉन्च के दौरान। और ये वीडियो शूट होती है लगभग 2 से 3 महीने पहले, तो ये जो गाड़ी है ना लॉन्च हो जाएगी आप लोगों की जनवरी में या फिर फरवरी में। तो वैसे तो 2-3 महीने से ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट हाँ अब शूट लाइक जो है यदि लॉन्च होनी होती तो ये गाड़ी का जो है इनवाइट वगैरह आ लिया होता, 1-2 महीने पहले ही आ जाता है। तो अभी तो आई डोंट थिंक कि इस साल इसको लॉन्च करेंगे, ये जो है नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे इस गाड़ी के लिए, या फिर हो सकता है कि एंड में इसको लॉन्च कर दे नवंबर में, तो वो भी पॉसिबल है। तो पुरानी वाली डिज़ायर से तो काफ़ी कुछ चेंज किया है यार, और इंटीरियर आप लोग देख लो बलेनो की याद दिला देगा, जो बलेनो के टॉप मॉडल में इंटीरियर आता है ना कुछ वैसा वैसा इसका इंटीरियर है, जो कि मेरे को लगा क्योंकि मैंने बलेनो जो है रखी हुई है तो एक झलक से जो है वैसा ही लगा, क्योंकि AC वेंट्स इसके अंदर वही डाल दिए हैं। स्विफ्ट वाले इंटीरियर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, वो जो है किसी एंगल से भी आपको नहीं लगेगा। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही नया इंटीरियर जो है इन्होंने रखा है, एंड ओवरऑल ये जो इंटीरियर है ये काफ़ी बढ़िया आपको लगेगा। डी कट स्टेयरिंग वगैरह यहाँ पे है एंड सारी ही चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये थी भाई नई डिज़ायर, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हो फिर नहीं कर रहे ये भी मेरे को नीचे ज़रूर बताना। बाकी प्राइस वगैरह जो है वही 10 से 11 लाख तक जाएगा इसका टॉप एंड वेरियंट ऑन रोड। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।